सोलन में सांसद सुरेश कश्यप ने सोलन का दौरा किया। सोलन शहर के विभिन्न वार्डों में गए और अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें केंद्र सरकार की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में अवगत करवाया। इस मौके पर उन्होंने शहर के बाजारों में पत्रक वितरण कार्यक्रम में भी भाग लिया। पत्रक के माध्यम से शहरवासियों को केंद्र की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और हिमाचल सरकार ने 2.5 वर्ष में हासिल की सफलताओं का ब्यौरा भी दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार लॉकडाउन में मिलकर ये प्रयत्न कर रही है कि देश के किसी नागरिक को भी कोई असुविधा ना हो, कोई भी देश में भूखा पेट ना सोए, जिसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी गरीब परिवारों को अनाज उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने इस मौके पर जहां प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तारीफ की, वहीं कांग्रेस के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आज कांग्रेसी नेता घर बैठकर भाजपा नेताओं का हिसाब मांग रहे हैं कि उन्होंने कोविड संकट काल में क्या किया, लेकिन फिर भी वे कांग्रेस नेताओं को बताना चाहते हैं कि भाजपा सरकार ने गरीब लोगों तक राशन पहुंचाया, संक्रमण से बचने के लिए उन्हें मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेसी नेता ये भी भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्चुअल रैलियों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें सही से मालूम ही नहीं है कि वर्चुअल रैली किसे कहते हैं। लेकिन वर्चुअल रैली के माध्यम से भाजपा नेता न केवल कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बल्कि वे हिमाचल की जनता से भी डिजिटल माध्यम से मिल रहे हैं और उनका कुशल क्षेम जान रहे हैं, ताकि अगर वे किसी मुसीबत में है तो उसे राहत पहुंचाई जा सके। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, आज हताशा और निराशा में इस प्रकार की बातों करते हैं, आज घर के अंदर बैठकर और लोगों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से प्रश्न पूछते हैं और उनको भी जनता के बीच में जाना चाहिए और इस प्रकार के कार्य करने चाहिए, लोगों को सहायता मुहैया करवानी चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस कोरोना महाकाल में कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, उसको जो है राशन व्यवस्था हो, उसको भोजन की व्यवस्था हो, लोगों को फेस कवर्स मिलें, लोगों को जो है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करवाने की बात है और इस प्रकार के बहुत कार्य जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और जहां तक एक सांसद के नाते मैं कहना चाहूँगा कि जब से लॉकडाउन हुआ, हम लोग लगातार जनता के बीच में और जनता की जो भी समस्याएँ हैं, बहुत सारे लोग जो हमारे विदेशों में फंसे हैं, हमारे अन्य प्रदेशों में फंसे थे, उनको वापस लाने की बात है, या फिर जो विशेष रूप से शिमला संसदीय क्षेत्र, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया सबसे ज़्यादा इस संसदीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पर जो प्रवासी मजदूर थे उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनको हर प्रकार की सहायता मुहैया करवाना और अनेक ऐसे काम थे जिसमें कि हम लगातार प्रयासरत हैं। 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार प्रयास कर रहा हूँ और लोगों से बातचीत करके उनको अगर कहीं दिक्कत आ रही है उसके समाधान में प्रदेश सरकार से या केंद्र सरकार से हम लोग लगातार जो है उनके साथ संपर्क में हैं और कहीं कोई व्यक्ति किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना, उसके लिए काम कर रहे हैं। जहाँ तक वर्चुअल रैली की बात है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने ये निर्णय लिया कि जब हम जो नियमित हमारी बैठकें थी उनको नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे समय में आम जनमानस तक जुड़ने के लिए हम वर्चुअल रैलीज के माध्यम से और डिजिटली टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों के साथ संपर्क करें, उनके साथ बातचीत करें। अगर कोई व्यक्ति इस समय कहीं मुसीबत में है, उनको भी उसका भी समाधान हो सके, साथ में जैसा मैंने पहले कहा कि कोई भूखा ना सोए, उसको भोजन की व्यवस्था और इस प्रकार की हर प्रकार की व्यवस्था, इसके साथ साथ पीएम केयर फंड और सीएम कोविड फंड में लोग योगदान करें, ताकि जहाँ जहाँ भी ज़रूरतमंद लोगों को तक हर प्रकार की सहायता मुहैया करवा जा सके। और मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसके लिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, उनको यह भी जानकारी है कि वर्चुअल रैलीज हैं क्या, वास्तविक रूप से इस समय वो बड़े निराशा में है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं और अनाप शनाप बयानबाजी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र से लेकर प्रदेश और प्रदेश से लेकर जो आम जनमानस उससे जुड़ने में कामयाब हुई है। इस कोरोना महामारी में भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़कर काम किया, हमारा प्रदेश का नेतृत्व, हमारा केंद्र का नेतृत्व, हमारा संगठन, इसके लिए बधाई का पात्र है। अब कांग्रेस पार्टी को क्या पता कि वर्चुअल रैलीज क्या है, जिनको वर्चुअल रैलीज की जानकारी ही नहीं वो तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे संगठन ने जो निर्णय लिया इसके कारण हम आम जनमानस तक पहुंचने में कामयाब हुए, आम व्यक्ति तक जुड़ने में कामयाब हुए हैं और आज प्रदेश से लेकर पन्ना प्रमुख तक हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो सुचारू रूप से काम कर रहा है और हम आम व्यक्ति तक भी अपनी पहुंच बनाने में कामयाब रहे, किसी प्रकार की दिक्कत किसी को ना आए, उसके लिए लगातार प्रयासरत है।